हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग स्पोर्ट। गाइस, आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हम भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम कार्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको क्यूआर कोड वाली वीडियो में कहा था भारत पे की कि मैं इस कार्ड की अनबॉक्सिंग लाऊंगा और आपने काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड थे, तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्ड डिलीवर्ड हो चुका है भारत पे की तरफ से, एक्स्ट्रा इनकम कार्ड। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बाकी कार्ड लॉन्च यहाँ पे मेरे ख्याल से मई के मंथ में हो चुका था लास्ट ईयर, लेकिन कुछ यहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से यहाँ पे किसी को भी कार्ड अलॉट नहीं हुए। उसके बाद लास्ट मंथ से इन्होंने दोबारा स्टार्ट करा और काफ़ी सारे लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आया इस एक्स्ट्रा इनकम कार्ड को यहाँ पे अप्लाई करने का भारत पे ऐप के अंदर। तो मेरे पास भी आ गया था तो मैंने भी इसे यहाँ पे अप्लाई कर दिया और मेरे पास ये 5 दिन के अंदर डिलीवर्ड भी हो चुका है। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं किस तरीके से आपको इसे सेटअप करना है, और अगर आपके जो भारत पे का अकाउंट है उसके अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या क्या ट्रिक यहाँ पे फॉलो करनी है। तो सबसे पहले डायरेक्टली कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले आपको एक पैकेजिंग के अंदर यहाँ पे कार्ड का बॉक्स देखने को मिलता है। तो टिपिकल यहाँ पे पैकिंग है यहाँ पे जैसे कि भारत पे की होती है, पीछे की साइड मेरा एड्रेस वगैरह मेंशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से हटा लेता हूँ। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे स्टिक होता है ये, जिसके पीछे एड्रेस वगैरह आपका लिखा होता है, और उसे हटाने के बाद आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का कार्ड जिस पे लिखा है एक्स्ट्रा इनकम कार्ड फ्रॉम भारत पे। और यहाँ पे हमारा ट्राई कलर आपको देखने को मिल जाता है, हमारा नेशनल फ्लैग, पीछे की साइड यहाँ पे क्यूआर कोड है, और बाकी इस टाइप का आपको एनवलप देखने को मिलता है भारत पे की तरफ से, जैसा कि आपको क्यूआर कोड के स्टिकर में देखने को मिलता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे कर लेते हैं इससे भी अनबॉक्स। तो इसे अनबॉक्स हम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद हमें कुछ ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले है हमारा कार्ड, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास हमारा एक्स्ट्रा इनकम का कार्ड, जो कि एक मास्टर कार्ड है। यहाँ पे लिखा है भारत पे मर्चेंट, यहाँ पे नाम मेरा मेंशन नहीं है, और बाकी ये आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको ब्लैक कलर में यहाँ पे कार्ड देखने को मिलता है, और यहाँ पे NFC के साथ आता है, तो यानी आप इसे टच और पे करके भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो भी बैलेंस आपके भारत पे अकाउंट के अंदर है, बैक साइड से आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पे CVV वगैरह और यहाँ पे QR कोड जिसकी मदद से आपको एक्टिवेट करना है। साथ में यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, जिस पे आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से इस कार्ड को एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक आपको देखने को मिलेगा आपके भारत पे अकाउंट पे, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब कार्ड भी फ्री में दे रहे हैं, साथ में 100 रुपये भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और वो भी नो कॉस्ट है। मतलब इसके अंदर आपको कोई भी कॉस्ट नहीं पे नहीं करनी, जो भी एनुअल फीस वगैरह होती है। और बाकी यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। काफ़ी इजी प्रोसेस है, मैं आपको सामने दिखा दूंगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। और साथ में हमें एक चीज़ और देखने को मिल जाती है, जो है एक एनवलप इस कार्ड को रखने के लिए। आई थिंक ये 2 है, नहीं एक को यहाँ पे रख रखा है, तो इसके अंदर आप कार्ड को यहाँ पे संभाल के अपने वॉलेट वगैरह में। तो अब बात करते हैं आप किस तरीके से अपने अकाउंट में, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, जो कि मैंने यहाँ पे भारत पे से कस्टमर केयर पे पूछा है, वो यहाँ पे आपको मिनिमम 5,000 रुपीज़ अपने भारत पे अकाउंट में डिपॉजिट करके रखने हैं, और 5,000 रुपये आप काफ़ी दिन तक रखेंगे, मतलब 1 वीक तक रखेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो भारत पे का ऐप है उसमें ऑप्शन आ जाएगा एक्स्ट्रा इनकम कार्ड को यहाँ पे अप्लाई करने का। 0 चार्जेस है, लेकिन अगर आप इससे कैश विड्रॉ करते हैं तो आई थिंक यहाँ पे 20 रुपीज़ या 24 रुपीज़ के करीब यहाँ पे चार्जेस हैं। बाकी एनुअल चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है, बल्कि 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं अपने भारत पे अकाउंट में, जैसे ही आप इसे करते हैं एक्टिवेट। तो आप सिंपली से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पे भारत पे की तरफ से। फिलहाल यहाँ पे मई में भी कैंसिल हो गया था, लेकिन फिलहाल हमारे पास फाइनली डिलीवर्ड हो चुका है। और जो हमारी भारत पे की QR कोड वाली वीडियो थी, उस पर आपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्यार बरसाया, उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया। तो ऐसे ही इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए आए तो कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी उनकी आसानी से। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।